हम आज आपको बैन लगाने का तरीका बताएंगे। ये हमने जमा लिया है बैन, इसका जो साइज़ है तकरीबन 15.5 इंच हमने तैयार किया है। ये हाफ बैन है जिसको कट वाला बैन कहते हैं। तो ये आपको दिखाएंगे जोड़कर। ये देखें, मैंने इसका हाला नापा हुआ पहले 4.5 और आगे फिर तकरीबन 16 इंच हमारा ये तैयार है। तो इंशाल्लाह ये हम जोड़ के दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे, हमने जमाया हुआ है, इसको फ्यूज़ किया हुआ है। यहाँ से इसको फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये पैर की सिलाई लगानी है, यानी ये जो पैर है किनारे पे चलता है जब कपड़े पे, तो उसको कहते हैं पैर की सिलाई। ये बड़े प्यारे तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता लगानी है। अब ये जो इसकी छांट है इसको आपने उतार लेना है थोड़ा सा, ताकि आपको ये जो फ्यूज़ बुकरम है ये नज़र आ जाए, ताकि सिलाई आपकी ऊपर ना चढ़ जाए। अब हमने पहले इसका ये जो किनारा है इसको हमने पक्का कर लेना है। यहाँ से रखकर यहाँ से हमें पक्का करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस तरफ से सिलाई लगाते उतर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये हमारा जो कपड़ा है ढीला नहीं होगा, ये पूरा पूरा इंशाल्लाह आ जाएगा। अब इस किनारे को हमने यहाँ रखना है। ये देखें, हमारा ये बुकरम का ये निशान है, यहाँ तक बुकरम हमारी है। इसको हमने पक्का कर लेना है। किनारे को बड़े एहतियात से आपने कट दे के मोड़ना है। अब ये बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगानी है ऐसा ऐसा से। अब ये सिलाई के ऊपर सिलाई आ गई और ये हमारा ये इसको अब यहाँ से आपने 2 सूत्र का दबाव देकर इसको काट देना है। इस साइड से भी आपने काट देना है। अब ये जो है इसकी जो बैक साइड है बैन की, इसको आपने हल्के हल्के से कट दे देना है कैंची के साथ। इसका ये फ़ायदा कि ये जब फोल्ड करेंगे तो ये कस नहीं देगा, इसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आपने यहाँ से ये पलट लेना है, इसको इसी तरह से यहाँ से भी ये देखें ऐसे करना है आपने। ये बुकरम के कपड़े को आपने ऊपर चढ़ाना है इसके, और इसके बाद इसको पलट देना है। अब हम इसको इस्त्री करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। ये जो इसको इसकी तह बिठाने के लिए हमें इस्त्री करनी पड़ेगी। देखें, इसका जो किनारे हैं इनको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमने करीब से दिखाएं, ये जो जोड़ है इसको आपने पीछे की तरफ खींचना है। करीब करें और ये जो इसकी जोड़ है इसको आपने बैक साइड पे लेके आना है। अब इसको हल्का सा पानी के साथ, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कपड़ा बिल्कुल अपनी तय पर जगह पर जम जाएगा, दोबारा उठेगा नहीं। ये मैं बैक साइड से कर रहा हूँ इसको। यहाँ से आपने कपड़े को भी आगे से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें, हमारी ये शेप बन गई है फ्यूजिंग के बाद। ये देखें किस प्यारा तरीके से ये बिल्कुल ये बैठ चुका है इसकी तय। इस तरह से आपने इस्त्री करना है। तो आप इसको लगाते हैं। तो लगाने से पहले प्यारे दोस्तों, ये हमने तकरीबन 3 सूत्र का दबाव जो है काटना है, 3 सूत्र का याद रखें।
इसको आपने बिल्कुल एहतियात के साथ काटना है। ये मैं आपको ये मेजर करके भी दिखाता हूँ, ये 3 सूत्री है, ये देखें, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, ये देखें ज़रा, ये किनारा है हमारा, यहाँ से 1 2 और 3 सूत्र का हमने दबा यहाँ पे काटा है। ये एहतियात करने, यहाँ से आपने 3 सूत्र का दबा काट लेना है सारे यहाँ बैन बैन को। अब लगाते हैं इसको। तो पहले तो लगाने से पहले हमने इसको यहाँ से ये इसका सेंटर माप लेना है, यहाँ से हल्का सा हमने इसको कट दे देना है, और इधर भी ये जो हाला है हमारा यहाँ पे इसको ये दो जो सिलाइयाँ हैं हाले की, ये देखिए ज़रा, इनको आपस में मिलाना है, और ये यहाँ पे हमने एक कट दे देना है। इस कट को हमने इस कट के साथ मिलाना है, ये सेंटर है इसका और ये इसका सेंटर है, ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये जो बैन है ये हमने कमीज के उल्टी साइड से लगाना है, यानी ये कमीज का देखेंगे सीधी साइड है, ये पट्टी सीधी, ठीक है। तो इसको हमने इधर से नहीं लगाना, हमने बटन टेक की तरफ से लगाना है कमीज को उल्टा करके, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, बैन की तरफ से हमने लगाना है, ये कट वाली पट्टी है। तो ये देखें, इसको पहले मेजर कर लेते हैं, ये बिल्कुल टुक्का जो है सेंटर पे आना चाहिए, ये देखें सेंटर पे आ रहा है। इस तरह से आप इसको यहाँ से पहले हल्की सी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से शुरू करके दिखाऊंगा। अब देखें, यहाँ से ये जो इसका किनारा है इसको इस किनारे के साथ आपने लगाना है, ठीक है, हल्का सा पीछे रखना है आपने, हाफ सूत्र पीछे रखना है। ये देखें, ये साइड भी यहाँ से बराबर है, ठीक है, और इधर से मैंने हाफ थोड़ा सा हल्का सूत्र जो है हाफ सूत्र मैंने पीछे रखा है। अब इसको मैं यहाँ से पहले पक्का करूँगा। अब यहाँ से ये देखें, ये हमारा टुक्का दिखाएं, ये यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा आगे हो तो इसको थोड़ा सा हाथ में ढीला कर देना है और इसको कस लेना है, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन पूरा ही आ रहा है। ये आपको बड़े करीब से मैं आप दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, ये बिल्कुल ये जो किनारे हैं दोनों कपड़ों के ये साथ मिलकर चलने चाहिए। ये बड़ी एहतियात वाला काम है, यहाँ से जो बैन है ये कॉलर है काना हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल सूट की पूरे सूट की जो की किया धरा होता है वो खूह में पड़ जाता है, पंजाबी में जो ना खूज पै जाती, तो खूज नहीं इनू पाना, इन बड़े ही आसान तरीके ना थोड़ा जहा इसे टाइम वध ला लेना, 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जिन्ना भी तुसी ला सको। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये देखें हमारा टुक्का यहाँ पे मिल रहा है, टुक्का मिलने का मतलब है कि हमारा बैन काना नहीं होगा, बिल्कुल पूरा लगेगा। और ये सिलाई को यहाँ बिल्कुल ये देखें जड़ में लगाना है यहाँ पे। अब हम टुक्के पे पहुँच चुके हैं, यानी सेंटर तक हमने लगा लिया है, आगे हम देखेंगे कितना कपड़ा बचता है। ये देखें, ये तकरीबन पूरा ही आ रहा है यहाँ तक, इंशाल्लाह हमारा ये बैन पूरा लग जाएगा। ये बड़ी एहतियात से इसको सिलाई लगाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता से, 2 मिनट ज़्यादा लगा लें, मैं भी इसलिए 2 मिनट ज़्यादा लगा रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल समझ में आ जाए। ये दर्जी के पास जब बच्चे सीखते हैं तो सालों लगा देते हैं, आप 2 मिनट लगा लें, क्या हो जाएगा, चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये वैसे मैंने बैन पहले तैयार हुआ था, ये कट वाला बैन भी मैंने पहले इसके कट पहले बना लिए थे। इसके बाद जो अगली वीडियो में आपको पूरा बैन जमा के दिखाऊंगा और कट बनाने भी आपको दिखाऊंगा। आपने बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। यार देखें, हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपके साथ शेयर करते हैं,
तो आपको भी चाहिए कि आप भी हमारी मेहनत का हक हमें दिया करें, क्योंकि तो ये दुनिया का उसूल है कि जो मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है। हम मेहनत कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, घर बैठे आपकी पूरी रहनुमाई करते हैं। तो यहाँ पे आके आपने इसको बिल पक्का करना है, इसलिए आप भैया ज़रा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ताकि मेरी जो अगली वीडियो है आप तक प्रॉपर पहुंच सके। तो ये देखें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ये सिलाई लग चुकी है। यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं ये आपने काट लेने हैं। अब इसको जो है ये देखें, बैक साइड से दिखाता हूँ, पूरा बैन लग चुका है। अब इसको यहाँ से ये देखें अंदर को दबा को फोल्ड कर देना है आपने, ठीक है, इस तरह से भी। इसको हमने जब बंद करना है तो हम पट्टी वाली साइड से आएंगे, यानी जहाँ पे हमने एंड करना है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अब ये जो सिलाई है, ये जो सिलाई है, करीब करके दिखाएं, ये जो सिलाई है इसको यहाँ जो किनारा है इसका एक साथ टच होके जाना चाहिए इसको। ये जो किनारा है इसका किनारा और ये सिलाई है, और करीब करें ज़रा, ये जो सिलाई है ये वाली इसको इस किनारे के साथ टच होकर जाना चाहिए पूरे बैन में, फिर ही आपके जो बैन है इसकी लुक अच्छी आएगी और बड़ा प्यारा लगेगा। इसको यहाँ पे जो है अच्छी तरह से आपने कैंची की मदद से इसको अंदर दे लेना है, ये देखें मैं इसकी ज़रा अकड़ को मसल रहा हूँ, भन रहा हूँ अकड़ को, क्योंकि जितनी देर इसकी अकड़ को भन्नेंगे नहीं ये सही बात नहीं बनेगी। ये देखें अब यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, बिल्कुल किनारे पे हमने चलना है आहिस्ता आहिस्ता से। अब ये किनारे पे आके इसको इधर फोल्ड करना है, यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है। पूरी जो कमीज़ का जो हासिल है ये बैन है, फ्रंट पट्टी और बैन, ये आप किनारे पे आपने चलते जाना है। ये इंशाल्लाह जितने प्यार से हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बाद में दिखाएंगे कितना प्यारा ये लगा है। ये थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन चीज़ बन जाती है। स्टॉप तो ये इसका अगला किनारा आ गया है, ये अच्छी तरह से कैंची की नोक से इसको अंदर आपने दे देना है, ठीक है, कैंची की बैक साइड इसको थोड़ी सी थपकी भी दे देनी है। ये अब इसको घुमा लेना है, फिर किनारे पे चलना शुरू कर दें। सिलाई को बिल्कुल आपने यहाँ पे किनारे के साथ मिला के चलना है, थोड़ी बहुत बाहर हो जाए ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हमने इसको जब कॉलर या बैन अच्छा लगा होगा ना तो इंशाल्लाह पूरे सूट की ग्रेस ही और हो जाती है। इसमें अगर जब फॉल्ट आ जाता है, ये बैन काना लग जाए, ये कॉलर काना लग जाए, तो सारे सूट का सत्यानाश हो जाता है। आपने सत्यानाश नहीं करना, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से हमने थोड़ा पक्का कर देना है, ये इसको हम काटते हैं।
ये देखें, करीब करें ज़रा, ये यहाँ से कट वाली पट्टी, ये देखें ज़रा, इसकी सिलाई चेक करें ज़रा, करीब करें ज़रा, ये देखें, चेक करें पूरे बैन में सिलाई की नफासत का मियार चेक करें आप। ये मेहनत की है, जब मेहनत आप बैन पे करेंगे तो ऐसा ही फल आपको मिलेगा। ये देखें, इस तरफ से देखें, ये जब सीधा करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो इसको चार चांद लग जाएंगे आप। इसकी इसकी राउंड शेप चेक करें, अब ये देखें, इसको मैंने, ये देखें करीब करें ज़रा, ये कैसा प्यारा इसकी शेप बनेगी जब इस्त्री होगा। ये है शेप, ये कॉलर की शेप है, ये होनी चाहिए। देखें गुलाई चेक करें इसकी, इंशाल्लाह आप अगर इस तरीके से बैन लगाएंगे तो इंशाल्लाह देखें सूट आपका पता चल जाएगा वाकई सूट सिला है। ये बैन होना चाहिए, इसको कहते हैं बैन। इसकी क्वालिटी इस तरह से गुलाई होनी चाहिए इसकी। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा हक बनता है और किसी का हक रखते नहीं हैं। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफीज़ हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।